आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 का 17वां मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम टूर्नामेंट में लगातार 3 मैच जीत चुकी है और अब वह जीत का चौका लगाने के लिए मैदान पर उतरेगी। हालांकि उससे पहले आइए जानते हैं बांग्लादेश के खिलाफ भारत के उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जो तबाही मचा कर रख सकते। सबसे पहला नाम आता है विराट कोहली। विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 में तबाही मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विराट टूर्नामेंट में अब तक 3 मैच खेल चुके हैं जिसमें से उन्होंने 156 रन बनाए। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया को जीत का चौका दिलाने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ वो अपनी पूरी ताकत लगाती है। बांग्लादेश के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा है। रोहित बल्लेबाजी में कहर बरपा रहे हैं। रोहित ने विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भले ही शून्य पर आउट हो गए थे, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ 131 और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 86 रनों की धुआंधार पारी खेली। उनके इस विध्वंसक फॉर्म को देखकर बांग्लादेशी टीम जरूर भयभीत हो रही होगी। बांग्लादेश के खिलाफ भारत का तीसरा सबसे बड़ा हथियार विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल साबित हो सकते हैं। राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही मैच में 97 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को महत्वपूर्ण जीत दिलाई थी। ऐसे में उम्मीद है कि बांग्लादेश के खिलाफ भी वो अपना कमाल दिखाएंगे। राहुल के बाद अब बारी आती है गेंदबाजी में। एशिया कप में कहर बरपाने के बाद मोहम्मद सिराज के लिए अब विश्व कप की बारी। विश्व कप में सिराज 3 मैच खेल चुके हैं और उसमें उन्हें सिर्फ 3 सफलता ही मिली। हालांकि उन्हें कोई बड़ी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन बांग्लादेशी टीम को अच्छे से पता है कि सिराज उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अब बारी आती है टीम इंडिया के उस हथियार के बारे में जानने की जो सभी टीमों के लिए खौफ बन चुकी है। जी हाँ, उनका नाम है बूम बूम जसप्रीत बुमराह। विश्व कप के अपने पहले ही मैच से पुराने लय में लौट चुके बुमराह 3 मैच में अब तक 8 विकेट ले चुके हैं। अपनी मारक यॉर्कर से बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा करने वाले बुमराह अब बांग्लादेश के खिलाफ तांडव मचाने के लिए उतावले हो रहे होंगे। ऐसे में अगर बांग्लादेशी टीम ने कोई भी चूक की तो बुमराह से उनका बचना मुश्किल होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खेल से जुड़ी अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे यानी MBT स्पोर्ट्स के साथ।